मोर भाई ला मैं न्याय दिलाए बर आए हूँ। 13 तारीख की घटना हुई, 14 मोर का FIR दर्ज नहीं हुई से, 15 हुई से, ओखर 15 तारीख से आज होगी 22-23 तारीख। अभी तक आरोपी गिरफ्तार आरोपी ला गिरफ्तार नहीं करे जाही। 26 तारीख को धरना प्रदर्शन अल्टीमेटम दे थाना में, 25 तारीख के अगर गिरफ्तार नहीं करते तो 26 तारीख के सुबह 9 बजे से यहाँ अमर मन के धरना प्रदर्शन रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। बेमेतरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, आदिवासी समाज ने विधायक पुत्र के खिलाफ खोला मोर्चा। 15 अक्टूबर को विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्ण साहू के खिलाफ आदिवासी समाज के युवक ने FIR दर्ज करवाया था, जो आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी के विरोध में आज पूरे आदिवासी समाज एवं पीड़ित के पूरे परिजन थाना एवं SDM के पास पहुंचकर चेतावनी दिया गया कि 25 तारीख तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 26 तारीख को आदिवासी समाज करेगा उग्र आंदोलन। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। का नाम बोली आपके? भारती मंडावी, मैं मनीष मंडावी की बहन है। कैसे पहुंचे आज यहाँ पे आप? मोर भाई ला मैं न्याय दिलाए बर आए हूँ। 13 तारीख की घटना हुई, 14 मोर का FIR दर्ज नहीं हुई से, 15 हुई से, ओखर 15 तारीख से आज होगी 22-23 तारीख। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। एक आग से तीन हुए कि मैं गरीब आदमी हूँ और जो मारे तीन विधायक महोदय के बेटा है, एक से देरी कर रहे थे प्रशासन है, इला मैं पूछना चाहता हूँ और एक से ती हम आयन कि गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। अगर 26 तारीख के अंदर आरोपी ला गिरफ्तार नहीं करे जाही, 26 तारीख तक 26 तारीख को धरना प्रदर्शन हुई यहाँ, अगर वो 26 तारीख की पहली गिरफ्तार नहीं हुई था। मोर नाम है बलकर सिंह। कैसे पहुँचे आज आप? मैं थाना एकर सिटी पहुँचे हैं कि मनीष मंडावी के साथ में जो मार मर्दन जो मारपीट हुआ है, जानलेवा हमला, तो आरोपी अभी तक के जो फरार है कृष्णा साहू है, तो ओकर सिटी हम यहाँ ओकर तहकीकात पता करते हुए कावर की थाना में कोई कार्रवाई नहीं करे, यह FIR दर्ज है, लेकिन वोला आरोपी ला मतलब ये गिरफ्तार काबर नहीं करते। एकर सिटी हमन पूरे समाज के साथ में हम आए हैं कि गिरफ्तार जल्द से जल्द कराए, इसे टाइप के बोला 25 तारीख तक के हमने अल्टीमेटम दे थाना में, 25 तारीख के अगर गिरफ्तार नहीं करते तो 26 तारीख के सुबह 9 बजे से यहाँ हमारे मन के धरना प्रदर्शन रही।